बिहार की राजनीति में एलजेपी में पड़ी फूट के चलते जो राजनीतिक तमाशा चल रहा है उसमें अब तक बीजेपी और जेडीयू की भूमिकाएं देखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें तेजस्वी यादव की एंट्री भी हो गई है। एक अरसे के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को पटना पहुंचे और यहां आते ही उन्होंने जो बयान दिए उससे अब तय हो गया है कि राजनीतिक घमासान और बढ़ेगा। तो क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए देखते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बयानों से एक बार फिर बिहार की राजनीति में नई हलचलें पैदा कर दी हैं। एक अरसे बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने आते ही मौके पर चौका मारते हुए लोजपा में टूट के बाद सांसद चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। उन्होंने कहा कि अब चिराग भाई को तय करना है कि बंच ऑफ थॉट्स के पुर्जे के साथ रहेंगे या बाबा साहिब ने जो संविधान लिखा है उसका साथ देंगे। इस दौरान तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधना नहीं भूले। तेजस्वी ने कहा है कि ये सबको पता है कि लोजपा में टूट का मास्टरमाइंड कौन है, ऐसे में चिराग पासवान को खुद दिशा तय करनी है। तेजस्वी ने कहा है कि लोजपा को 2005 और 10 में भी नीतीश जी से तोड़ने का प्रयास किया था। जब 2010 में लोजपा का एक भी एमएलए एमपी नहीं था तब लालू जी ने रामविलास पासवान को राज्यसभा सांसद बनाया था। यदि जोड़ तोड़ करने वाले बिहार के विकास के लिए इतना सोचे तो बहुत कुछ हो जाएगा। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बयान दिया था कि उन्हें लोजपा में टूट की जानकारी नहीं है। इस पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता, उन्हें का खा गा घा का भी पता नहीं होता, उन्हें ये भी पता नहीं है कि बिहार में कोरोना और बाढ़ से जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, पुल बनकर टूट रहा है, आगे न जाने क्या होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।